आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 15। तो इसमें भी अगर आप देखें तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो मल्टीप्लिकेशन के ही बेस पे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन एन ऑर्चर्ड देयर आर 98 रोज ऑफ मैंगो ट्रीज, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द ऑर्चर्ड इफ ईच रो हैज 87 ट्रीज। एक ऑर्चर्ड में एक फलों के बाग में 98 रोज हैं, किसके? आम के पेड़ों के। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द ऑर्चर्ड इफ ईच रो हैज 87 ट्रीज। तो अगर उसमें टोटल एक रो में अगर 87 क्या हैं आ रहे हैं आपके 87 एक रो में अगर 87 पेड़ हैं तो उस ऑर्चर्ड में टोटल कितने पेड़ होंगे आम के, ये आपको बताना है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम सॉल्व करेंगे इसे, देखिए, नंबर ऑफ रोज हम सबसे पहले मेंशन करेंगे। नंबर ऑफ रोज क्या था? नंबर ऑफ रोज थे हमारे 98। नंबर ऑफ ट्रीज इन वन रो, और एक रो में कितना था पेड़? 87। उसके बाद हम 98 मल्टीप्लाइड बाई 87, हम देखें यहाँ पर साइड में हमने किया भी है 98 मल्टीप्लाइड बाई 87, तो हमें आंसर में क्या मिला है? 8526। यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने थे? 8526 टोटल नंबर ऑफ ट्रीज होंगे उस ऑर्चर्ड में। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर आर 576 बटन्स इन अ पैकेट। एक पैकेट में 576 बटन्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बटन्स इन 249 सच पैकेट्स। एक पैकेट में अगर 576 बटन्स आ रहे हैं तो अगर उसी तरह के 249 पैकेट्स हैं तो टोटल बटन्स कितने होंगे? तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ बटन्स इन अ पैकेट। नंबर ऑफ बटन्स इन अ पैकेट कितने थे? एक पैकेट में कितना था? 576 इक्वल्स टू 576 नंबर ऑफ बटन्स इन 249 पैकेट्स, यानी कि एक पैकेट में कितने बटन्स थे? 249। तो 576 को हम 249 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 576 को अगर हम 249 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 143,424। यानी कि टोटल नंबर ऑफ बटन्स कितने हुए? 143,424। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज 697। कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज 697। अगर एक चेयर की कीमत 697 है, हाउ मच विल 369 चेयर कॉस्ट? तो 369 चेयर्स की कीमत कितनी होगी? यानी कि अगर एक चेयर की कीमत 697 है तो अगर हम 369 चेयर्स अगर खरीद रहे हैं तो कितनी कीमत होगी, हमें कितना पैसा देना होगा? तो हम इसे सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन चेयर, यानी कि एक चेयर की कॉस्ट कितनी थी, ठीक है। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन चेयर कितनी थी? 697। उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ 369 चेयर्स, 369 चेयर्स अगर हम लेते हैं तो हमें कितना कॉस्ट देना पड़ेगा? तो 697 को हम 369 से मल्टीप्लाई करेंगे। 697 को अगर हम 369 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस्ट ऑफ 369 चेयर्स, यानी कि 369 चेयर्स की कीमत निकल जाएगी, जो क्या है? 257,193। ओके, मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आएगा? 257,193। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर आर फोर सेक्शन इन क्लास फोर्थ ऑफ अ स्कूल। एक स्कूल के क्लास फोर्थ में चार सेक्शन है, ए बी सी डी, ठीक है। ईच सेक्शन हैज कंसिस्ट ऑफ 47 स्टूडेंट। हर एक सेक्शन में कितने बच्चे हैं? 47। इफ़ द मंथली फी ऑफ ईच स्टूडेंट इज 583, अगर एक बच्चे की एक महीने की फीस 583 रुपीज़ है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ फी कलेक्टेड फ्रॉम द होल क्लास इन अ मंथ। तो उस क्लास से कितना फी कलेक्ट हो पाएगा एक महीने पे, ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे क्लास? हम सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, फोर सेक्शन है ये ध्यान में रखिएगा, हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फोर सेक्शन। हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फोर सेक्शन करेंगे, ठीक है। तो एक सेक्शन में कितने बच्चे थे? 47, और फोर सेक्शन है तो 47 को हम फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा? 188। यानी कि टोटल ए बी सी डी इन चारों सेक्शन को मिला के कितने बच्चे हो गए? 188।
फी ऑफ ईच स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की क्या फी थी? 583 रुपीज़। एक बच्चे की एक महीने की फीस कितनी है? 583। उसके बाद फी कलेक्टेड फ्रॉम होल क्लास, पूरे क्लास से कितना कलेक्ट हुआ है फी? तो 583 को 188 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 188 कहाँ से आया है? 188 जो है वो क्लास फोर्थ के जो चार सेक्शन थे ए बी सी डी, उनके टोटल बच्चे के हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये क्लास फोर्थ 188। अब 188 को जब हम 583 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना फी कलेक्ट हुआ है ये हमें आंसर में मिल जाएगा। फी कलेक्टेड इन अ मंथ, एक मंथ में कितना फी कलेक्ट हुआ? 109,604। कितना फी कलेक्ट हुआ एक महीने में क्लास फोर्थ से? 109,604। उसी तरह से बाकी के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आप उनको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।